हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म वी कैन बी ए हीरो, जो कि सीधे सीधे साल 2005 की आई हुई फिल्म दी एडवेंचर ऑफ शार्क बॉय एंड लावा गर्ल की स्पिन ऑफ फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। और अगर फिल्म के प्लॉट की बात करें तो फिल्म की कहानी का पूरा फोकस सुपर हीरोज के बच्चों पर किया गया है, जिनके माँ बाप को यानी कि सुपर हीरोज को एलियंस ने किडनैप कर लिया है और दुनिया भी खतरे में है, जिसे उन बच्चों को बचाना है, जिसमें वो कामयाब होगी भी या नहीं वो जानने के लिए आपको देखनी होगी ये 1.5 घंटे की नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वी कैन बी ए हीरो फिल्म। तो क्या आपको आपका कीमती समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं, चलिए अब उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी अब, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म को लेकर मैं बिना घुमा फिराकर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, और सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देता हूं कि हाँ, ये फिल्म पूरी तरीके से बच्चों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका मतलब साफ है कि बड़ों के लिए इस फिल्म में देखने जैसा कुछ भी खास नहीं है। और हाँ, अगर आप ये सोचकर इस फिल्म को देखोगे, दी एडवेंचर ऑफ शार्क बॉय एंड लावा गर्ल फिल्म की ये स्पिन ऑफ फिल्म है, जिसमें आपको वही कैरेक्टर्स फिर से रिटर्न नजर आने वाले हैं, तो जी नहीं, ये सोच भी आपके लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित होगी, क्योंकि इन कैरेक्टर्स का फिल्म में सिवाय कैमियो के और ज्यादा रोल बिल्कुल भी नहीं है। और इस फिल्म से वो लोग भी दूर रहे जिन्होंने अपनी लाइफ में शार्क बॉय एंड लावा गर्ल, स्पाई किड्स और रॉबर्ट रेडग्रीव्स की शॉर्ट्स जैसी बच्चों की फिल्में नहीं देखी है, तो वरना ये फिल्म आपकी नजर में पूरी तरीके से कंप्लीट टाइम वेस्ट फिल्म रहेगी। ये बात मैं अभी ही क्लियर कर देता हूं। लेकिन अगर पर्सनली मैं कहूं तो मैंने इस फिल्म को एंजॉय किया है। रीजन है फिल्म का काफी ज्यादा स्टूपिड होना। कैसे, तो चलिए उस पर बात करते हैं। वेल, जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म बच्चों को ही काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाई गई है, और लिटरली बच्चे ही इस फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिल्म में सारे के सारे सुपर हीरोज के बच्चे इस फिल्म में अपनी पावर्स से लेकर डिसीजन को कुछ उसी तरीके से लेते हैं, जो कि इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी कि ये फिल्म बाकी दूसरी किड्स मूवी की तरह उतनी भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है। जिन फिल्मों को जबरदस्ती का बच्चों का बताकर फिल्मों में बच्चों से कुछ भी स्मार्टनेस गिरी की बेकार चीजें करवाई जाती है, लेकिन ये फिल्म उसका बिल्कुल उल्टा करते हुए एक फन वॉच की तरह निकल जाती है। और डिसअपॉइंटमेंट तो स्टोरी की है, जिसमें कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं किया गया। यानी कि रॉबर्ट रॉड्रिग्स ने स्पाई किड्स की ही फिल्म की इंस्पिरेशन लेकर इस फिल्म को बनाया है, और हाँ स्काई हाई फिल्म की इंस्पिरेशन लेकर भी। यानी कि बच्चों के मामले में वो फिल्मों को लेकर कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन जो आइडियाज उन्होंने स्पाई किड्स की फिल्म की सीरीज को लेकर शुरू किया था वो बहुत ही ज्यादा शानदार था, फिल्म के थर्ड पार्ट तक लेकर। लेकिन फिल्म का फोर्थ पार्ट उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बच्चों के हिसाब से ऑब्वियसली फिल्म ठीक थी। और अब फिल्म की बाकी और दूसरी प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो है सभी एक्टर्स के अलावा प्रियंका चोपड़ा की काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग। लेकिन अगेन, बच्चों का फिर से नाम निकल कर आता है, इसलिए इन सारी की सारी चीजों को बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए, जो कि मैं भी नहीं छूंगा। इसलिए सीधे बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन VFX वर्क फिल्म के बहुत ही ज्यादा पुअर है, जो कि इस टाइप की सुपर हीरोज की बच्चों की फिल्मों में तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो ऑब्वियसली है, जिससे कि आपका कनेक्शन इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं टूटता है। और उसके अलावा फिल्म का BGM भी काफी ज्यादा एवरेज है, लेकिन फिल्म की एडिटिंग काफी ज्यादा अच्छी की गई है, जो अपने फास्ट ट्रैक पर चलकर काफी जल्दी शुरू भी होती है और बहुत जल्दी खत्म भी। तो अब इस वीडियो को भी खत्म करते हुए सीधे आते हैं रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग बनती है 5/2 स्टार की, और कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग है 5/2 स्टार की। और अब बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग बनती है फिल्म के लिए 5/3 स्टार की। रीजन है फिल्म को काफी अच्छी तरीके से बच्चों के लिए बनाना। और इसके अलावा सस्पेंस और हॉरर और थ्रिल के लिए तो 5/0 स्टार की रेटिंग है, जिनसे ये फिल्म कोसों दूर रहती है। और अब आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस के साथ साथ मेरी नजर में भी इस फिल्म की रेटिंग बनती है B+ की। क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स को ये फिल्म पसंद नहीं आई है, इसीलिए क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग बनती है C+ की। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हिंदी में वी कैन बी ए हीरो फिल्म को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स की इस फिल्म वी कैन बी ए हीरो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपने इस फिल्म को कितना ज्यादा एंजॉय किया और कितना नहीं। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।